डोन्ट फट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस आइकन टू निस गुड इवनिंग ऑल स्वागत है आप सभी का टेक्स बुक डॉट कॉम के ऑफिशियल चैनल पर मैं ऋतुराज अवस्थी और आज है हमारा नो योर स्टेट का डे थ्री और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बेंगाल के बारे में तो सभी का स्वागत है सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएँ सुपर्णा जी कह रही हैं दार्जिलिंग हिमालयन रीजन डोर्स रीजन गुड इवनिंग जल्दी से सभी लोग अपना आ, सेशन शेयर कर दीजिए अटेंडेंस मार्क कर दीजिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज हम पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल है ना सो वेस्ट बंगाल अपन पहुंच चुके हैं और वेस्ट बंगाल के बारे में आज हम जानेंगे जो भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है उस स्टेट की उसके बारे में सो so, सबसे पहले तो यहां पर भाई वेस्ट बंगाल वाले जितने भी लोग हैं अपना प्रेजेंस तो शो करें कल हमने देखा था महाराष्ट्र वाले बहुत सारे लोग थे है ना आज वेस्ट बंगाल वाले कितने लोग हैं गुड इवनिंग गाइस काई कोर हो कैसे बोलते हैं वही बोलते हैं ना काई कोर हो सो लेट स्टार्ट विद द सेशन आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट द वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के बारे में आज हम सारी चीजें देखेंगे जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए व्यू है राइट सो वेस्ट बंगाल से सभी लोग हैं सुपर्णा जी ने तो बता दिया था वेलकम टू वेस्ट बंगाल अनिशा जी स्वागत है आपका वेस्ट बंगाल में राइट सो लेट्स बिगिन सबसे पहले यहां पर देखिए वेस्ट बंगाल आखिरकार रीजन कौन सा होता है जब हम मैप की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था वी हैव 28 स्टेट्स एंड एट यूनियन territories, अट्ठाइस हमारे देश में क्या है राज्य हैं और आठ यूनियन टेरिटरीज मतलब आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं, राइट right? अच्छा अगर जैसे मान लो सभी को बोलना है गुड इवनिंग ऑल स्वागत है आप सभी का टेक्स बुक डॉट कॉम के ऑफिशियल चैनल पर अगर इसको बंगाली में बोलना है तो कैसे बोलेंगे ओके okay? सो so, बंगाल वाला रीजन देखो तब तक, तक? बंगाल वाला रीजन दिस इज द रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल ये पश्चिम बंगाल वाला रीजन है जो आपको यहां पर मैप में दिखाई देगा सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन राइट ये हमारा वेस्ट बंगाल का रीजन है ठीक है और वेस्ट बंगाल के बारे में हम जाने उससे पहले देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कितने पर्टिकुलर मेंबर हैं उसके बारे में आपको बताना है राइट right, कितने पर्टिकुलर मेंबर हैं वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली में राइट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल आप सभी को पता होना चाहिए है ना लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जाम में आपसे कई बार ये पूछे भी गए हैं है ना तो आई होप कि ये आप सभी को पता होगा इसका अगर सही उत्तर देखें आप तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा टू नाइन्टी फोर हाउ मेनी मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द वेस्ट बंगाल तो वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने हैं आपके मेंबर 294 मेंबर आ जाते हैं वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली में ठीक है तो ये क्वेश्चन आपके वेस्ट बंगाल से है एग्जाम में कई बार पूछा गया है आगे बढ़ते हैं सबसे पहले देखिए यहां पर हम जाने पश्चिम बंगाल के बारे में तो वेस्ट बंगाल का जो नाम है बंगाल और इसको बांग्ला कहा जाता था ये बेंगौल राइट right? बंगाल और इसको हम क्या कहते थे बंगाल और बांग्ला जाता था अब ये ड्राइव कहां से हुआ है एंशियंट किंगडम जो पुराने जमाने में किंगडम हुआ करते थे यहां पर दो एक जिसे कहा जाता था वेंगा वेंगा और दूसरा जिसे अपन बोलते थे बंगा ये दो पर्टिकुलर किंगडम हुआ करते थे इन्हीं से इसको लाया गया है संस्कृत लिटरेचर के रेफरेंस को अगर देखें तो यहां पर इसका जो नेम है ये बंगा संस्कृत लिटरेचर में हमें मिलता है राइट संस्कृत लिटरेचर में हमें इसका नाम देखने को या नाम सुनने को जो मिलता है वो क्या है वो नाम यहाँ पर कहला जाता है बंगा राइट बंगा नाम हमें यहाँ पर जानने को मिलता है वेस्ट बंगाल का और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक बहुत ही अर्ली हिस्टोरिक ऑलमोस्ट बहुत सारा बहुत पुराना थर्ड सेंचुरी बीसी के आसपास ये रीजन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये रीजन आपका जो है ना एक वंगडा वंगा किंगडम हुआ करती थी एंसेंट इंडिया में ये उसका पर्टिकुलर पार्ट कहलाता था राइट इट इज द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वंगा किंगडम अब यहां पर जब आप इसके कैपिटल को देखेंगे तो कोलकाता है और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था तो इट इज फॉर्म ऑन देंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को बनाया जाता है बनाया गया था अब इसको किस चीज के लिए जाना जाता है राइट right? तो सबसे पहले तो यहां पर बंगाल को जाना जाता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन इंडिया राइट राइस का प्रोडक्शन यहां पर सबसे ज्यादा होता है चावल यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है फिर दूसरा यहां पर है सेकेंड लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर जो भारत के स्टेट में है वो यहीं पर सिचुएटेड है सेकेंड लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर अमंग द इंडियन स्टेट इंटरनेशनल बॉर्डर का मतलब होता है जहां पर कि हमारे देश के राज्य दूसरे देशों से अपनी सीमा को साझा करते हैं वो आपका इंटरनेशनल स्टेट कहला जाता है ठीक है तो ये कहां पर है सेकंड वाला ये वेस्ट बंगाल में ही है अब यहां पर देखिए वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर थे मैं अभी बाउंड्रीज के बारे में बताऊंगा तब मैं वहां पर आपको और अच्छे से बता दूंगा बंगाल के जो सबसे पहले गवर्नर थे उनको बोला गया श्री चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी ये कब से कब तक रहे हैं 15 अगस्त 1947 से लेकर के 21 जून 1948 तक रहे हैं एट प्रेजेंट जो गवर्नर है वेस्ट बंगाल के उनका नाम है श्री जगदीप धनकर जी राइट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर प्रफुल्ला चंद्र घोष जी और एट प्रेजेंट में है श्रीमती ममता बेनर्जी जी ठीक है फर्स्ट एंड प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कहला जाएंगे नेक्स्ट चीफ जस्टिस जब हम यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करेंगे तो इनका नाम था वर्नेस पेकॉक वर्नेस पेकॉक यहां पर इनका सही उत्तर है जो फर्स्ट चीफ जस्टिस हुए हैं आपके कोलकाता हाँ कोर्ट के या बंगाल हाई कोर्ट जिसे कहा जाता है उसके फिर देखिए यहां पर रोमेश चंद्रा जो है रोमेश चंद्रा मेटर ये फर्स्ट इंडियन ऑफिसटिंग थे और चीफ जस्टिस थे ऑफिसेटिंग चीफ जस्टिस का मतलब है जो पहले इंडियन चीफ जस्टिस बने थे फनी भूषण चक्रवर्ती जी फनी भूषण चक्रवर्ती जी ये आपके फर्स्ट इंडियन परमानेंट चीफ जस्टिस थे आपके इस पर्टिकुलर कोर्ट के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जज जो रहे हैं चीफ जस्टिस इनका नाम था शंकर प्रसाद मित्रा शंकर प्रसाद मिश्रा जी सबसे मित्रा जी सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस रहे हैं हाई कोर्ट के और एट प्रेजेंट में जो बंगाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इनका नाम है श्री टी बी एन राधाकृष्णन जी राइट फिर यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वेस्ट बंगाल के एरिया से वैसे तो आप सभी लोग परिचित होंगे बट फिर भी मैं आपको एक बार वेस्ट बंगाल का एरिया आपको दिखा देना चाहूँगा ठीक है ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे दिस इज अवर वेस्ट बंगाल ये हमारा पश्चिम बंगाल है ये पर्टिकुलर रीजन जो यहाँ पर लगा हुआ है बांग्लादेश से ठीक है बांग्लादेश के कौन से पर्टिकुलर रीजन में दिस इज वेस्ट बंगाल ये हमारा पश्चिम बंगाल है ठीक है ये झारखंड यहां पे आ जाता है ये बंगाल है तो जब आप इस पर्टिकुलर बंगाल के एरिया की बात करेंगे तो इट इज अबाउट थर्टी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन स्क्वायर माइल या एटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू किलोमीटर स्क्वायर के आसपास बंगाल का एरिया है सिलीगुड़ी रीजन ये यहां पर आता है दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बंगाल ये भी आपका बेंगोल का पार्ट है बेंगोल मतलब वहां से लेकर के दिस इज द बाउंड्री ऑफ द बेंगाल राइट ये यहां तक पर्टिकुलर बाउंड्री बेंगाल की फैली हुई है ये हमारा पश्चिम बंगाल है अब इसमें जो है ना फॉरेस्ट एरिया कितना है फॉरेस्ट एरिया का सब पता सभी को होगा जहां पर की सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है जंगल पाया जाता है तो अगर आप देखें तो बंगाल वैसे ही हमें क्या दिखाई पड़ता है पूरा हरियाली तौर पर दिखाई पड़ता है है ना और वेस्ट बंगाल में लगभग इलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड किलोमीटर स्क्वायर के आसपास एरिया जो है ये फॉरेस्ट एरिया कहलाता है जिसपे से सात हजार चौवन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रिजर्व फॉरेस्ट है थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड टू स्क्वायर किलोमीटर का प्रोटेक्टेड एरिया है स्क्वायर 105, किलोमीटर का एक इनक्लोज एरिया है फॉरेस्ट एरिया और रेस्ट अगर हम देखें तो टोटल एरिया का वेस्ट बंगाल का जो टोटल एरिया है उसका अप्रॉक्सीमेटली थर्टीन पॉइंट थ्री एट परसेंट जो जोग्राफिकल एरिया है ये बंगाल का किस में आ जाता है वनों में ठीक है एरिया स्क्वायर किलोमीटर में इतना है स्क्वायर माइल में ये हो जाएगा फॉरेस्ट एरिया आपका एलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी नाइन स्क्वायर किलोमीटर जिस पर से ये एरिया आपका रिजर्व फॉरेस्ट है ये एरिया आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये एरिया आपका अनक्लास्ड स्टेट फॉरेस्ट है राइट right? टोटल कितना है आपका 13.38 परसेंट आपका जोग्राफिकल एरिया है स्टेट का फॉरेस्ट में नेक्स्ट यहां पर देखिए बॉर्डर लाइन की बात करते हैं सो बॉर्डर लाइन जैसे कि मैं अभी आपको स्टेट दिखा दिखा ही रहा था ठीक है अभी हम वेस्ट बंगाल में ही थे पश्चिम बंगाल का ही भ्रमण कर रहे थे तो वेस्ट बंगाल के एरिया को जब आप देखेंगे सो so, देखो ये वेस्ट बंगाल है दिस इज द राइट दिस इज दीजन दिस इज दीजन तो वेस्ट बेंगल की जो बॉर्डर लाइन है ये state border और international, दो पर्टिकुलर बॉर्डर यहां पर आते हैं सबसे पहले हम स्टेट बॉर्डर की बात करते हैं so ये North side में, उत्तर में यहां पर आ जाता है सिक्किम राइट दिस इज नॉर्थ रीजन यहां पर इसकी बाउंड्री मिलती है सिक्किम से उत्तर में नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है आसाम यहीं पर इस ये पर्टिकुलर रीजन आपका कहला जाएगा आसाम नॉर्थ ईस्ट में फिर जब आप साउथ में आएंगे दक्षिण में दक्षिण में ही बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी आ जाती है दक्षिण के बाद जब आप जाते हैं साउथ वेस्ट में तो साउथ वेस्ट में द रीजन इज उड़ीसा ये आपका उड़ीसा वाला रीजन आ जाएगा साउथ वेस्ट में और उसके बाद पूरी तरीके से जब आप वेस्ट की बात करेंगे तो यहां पर रीजन जो है दिस इज कॉल्ड एज द झारखंड और झारखंड के ऊपर ये वाला जो रीजन है दिस इज कॉल्ड एज द बिहार राइट right? झारखंड और बिहार रीजन वेस्ट बंगाल से कहां पर हो जाएंगे आपके ये वेस्टर्न साइड में हो जाएंगे ये तो इसके स्टेट बॉर्डर कहलाए जब हम इसके इंटरनेशनल बॉर्डर को देखते हैं तो वेस्ट बंगाल हमारा एक ऐसा स्टेट है जो दो देशों के साथ सीमाओं को साझा करता है ये पर्टिकुलर रीजन यहां पर इसकी जो बाउंड्री है किससे मिलती है नेपाल से नॉर्दर्न साइड में सॉरी भूटान है नॉर्दर्न साइड में यहां पर भूटान वाला रीजन है उत्तर में नेपाल से इसकी जो है ना नॉर्थ वेस्ट वाली नॉर्थ वेस्ट वाला ये जो पर्टिकुलर फ्रंटियर है ये आपका नेपाल से मिलता है उत्तर वाला ये वाला रीजन किस से मिलता है राइट दिस इज भूटान दिस इज नेपाल भूटान नेपाल और ये पूरा रीजन पूर्व का जितना भी ईस्टर्न साइड है पूर्व का पूरा रीजन किसके साथ सीमा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करता है राइट right? मतलब यहाँ पर आप देखें तो जो वेस्ट बंगाल है इसमें दो पर्टिकुलर बॉर्डर आ जाते हैं एक जिसे कहा गया आपका स्टेट बॉर्डर ये नॉर्थ में स्टेट बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम आसाम वेस्ट वे ऑफ बंगाल उड़ीसा झारखंड और बिहार से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ भूटान बांग्लादेश और नेपाल के साथ ठीक है आगे बढ़े उससे पहले देखिए टेक्सट बुक आपके लिए एक ऑफर लेकर के आया है जिसे कहा गया एस एस सी सीजीएल लाइव कोचिंग टू पॉइंट जीरो का एक बैच चल रहा है जिसमें आपको थ्री फोर्टी प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी और उसके साथ साथ आपको सेवन डेज का मनी बैक गारंटी भी है वहां पर और इसमें डिस्काउंट चल रहा है एट प्रेजेंट एक्स्ट्रा फिफ्टीन हंड्रेड ऑफ मिलेंगे आपको एस एस सी सीजीएल टू पॉइंट जीरो में राइट right? इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ ही साथ आपको इसका ऑफिशियल टेक्स बुक की वेबसाइट में भी मिल जाएगा इसके अलावा टेक्स बुक पास में एक बैक बाई पॉपुलर डिमांड डील चल रही है वेयर यू कैन गेट

नेक्स्ट हम आते हैं आगे राइट right? सो so, आगे हम आते हैं बॉर्डर लाइन के बाद देखिए यहां पर बॉर्डर लाइन के बाद जब हम आगे आएंगे सो so, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है विच इंडियन स्टेट शेयर द बॉर्डर विद द स्टेट ऑफ बंगाल कौन सा राज्य बंगाल के साथ सीमा साझा करता है ठीक है जो स्टेट अभी अपन देख रहे थे वही स्टेट आपसे यहां पर पूछ लिए गए हैं तो कौन कौन से स्टेट है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा उड़ीसा झारखंड बिहार सिक्किम और आसाम ये राज्य बिहार ये राज्य वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं ये मैंने आपको अभी बताया अब यहां पर देखिए पॉपुलेशन की बात करें तो वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन अभी कौन सा ईयर चल रहा है आपका 2020 बट और ऑफिशियली हम किसको लेंगे ऑफिशियली हम कंसिडर करेंगे सेंसस 2011 2011 का जो सेंसस है इसके अकॉर्डिंग जो वेस्ट बंगाल की टोटल पॉपुलेशन है दिस इज नाइन्टी 91276115 पीपल्स हैं जिनमें से आपके फोर्टी मेल हैं फोर्टी फोर यहाँ पर क्या है फीमेल्स हैं ठीक है यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है ऑफिशियली ये लैंग्वेज है बंगाली अब हम बात करते हैं बंगाल के जो भी निक नेम है शहरों के वो कौन कौन से हैं सो so, बंगाल में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दार्जिलिंग से दार्जिलिंग वाला रीजन ये ऊपर साइड मतलब सिक्किम के आसपास पड़ता है दार्जिलिंग को कहा जाता है क्वीन ऑफ द हिल्स ठीक है दार्जिलिंग इज कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ द हिल्स फिर यहां पर देखो सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी को कहा जाता है सिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड गेटवे टू द डोर्स राइट सिलीगुड़ी को क्या कहते हैं सिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी गेटवे टू द डोर्स देन हम यहां पर आते हैं इस पर्टिकुलर रीजन को कहा जाता है मालदा मालदा इज फेमस फॉर द मैंगो सिटी मैंगो सिटी के लिए फेमस है दिस इज द रीजन यहां पर कोलकाता है जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता को हम जानते हैं सिटी ऑफ जॉय के नाम से सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड हैवन ऑफ द ईस्ट इसके तौर पर कोलकाता को जाना जाता है यहां पे आ जाता है आसनसोल जिसे कहा जाता है ब्लैक डायमंड राइट लैंड ऑफ द ब्लैक डायमंड कहा जाता है आसनसोल को उसके बाद देखिए दुर्गापुर दिस इज द रीजन ऑफ दुर्गापुर दुर्गापुर को कहा जाता है रोर ऑफ इंडिया राइट रोर ऑफ इंडिया कहा जाता है एंड दिस इज द रीजन दैट इज कॉल्ड एज द पुरालिया या पुरुलिया। पुरुलिया को कहा जाता है मनभूमि सिटी राइट पुरुलिया इज कॉल्ड एज द मनभूमि सिटी ठीक है सो so गाइज देखो यहां पे सभी लोग अपना अटेंडेंस जरूर मार्क कर दो वी आर फिफ्टी एट भाई वेस्ट बंगाल से जितने लोगों को प्यार है सभी लोग अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करेंगे और वेस्ट बंगाल गाइज सो योर प्रेजेंस दिखना चाहिए कि आप लोग भी हैं कल देख रहे थे आप सभी लोग राइट right? अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं क्वेश्चन यहाँ पर देख अगले उस पर आते हैं तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है एग्जाम के ही क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द क्वीन ऑफ द हिमालय निम्नलिखित में से हिमालय की रानी के रूप में किसको जाना जाता है राइट right? किसको हिमालय की रानी के रूप में जाना जाता है ऑप्शन है आपके सामने सिलीगढ़ी कुरसियांग, दार्जिलिंग और कालिम्प्योंग इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग ठीक है दार्जिलिंग को कहा जाता है क्वीन ऑफ हिमालय ठीक है देन यहां पर देखिए स्टेट सिंबल या स्टेट आइडेंटिटीज क्या होती हैं राइट right? स्टेट सिंबल और स्टेट आइडेंटिटीज क्या होती हैं तो सबसे पहले यहां पर देखिए स्टेट एनिमल जो वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल है इसे हम बोलते हैं फिशिंग कैट राइट ये स्टेट एनिमल कहलाता है वेस्ट बंगाल का स्टेट वर्ड किसको कहते हैं जो व्हाइट थ्रोटेड किंग फिशर होता है दिस इज कॉल्ड एज द स्टेट वर्ड स्टेट फ्लावर कौन सा होता है सो ये कहलाता है आपका सेफली स्टेट ट्री कौन सा है इट इज कॉल्ड एज द चैटम राइट ये आपका कहला जाता है वेस्ट बंगाल का स्टेट ट्री नेक्स्ट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं वेस्ट बंगाल में तो सबसे पहले यहां पर आता है गुरुमारा नेशनल पार्क बक्सा नेशनल पार्क न्योरा नेशनल पार्क सिंगलीला नेशनल पार्क जलदापारा नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं जिससे कि आप इन सारे के सारे नेशनल पार्क को इजिली याद कर लेंगे आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल की जलपरी वेस्ट बंगाल की जलपरी नेौरा सिंह हैं न्यौरा सिंह हैं वो बहुत वो बहुत गोरी और सुंदर हैं लेकिन बॉक्सर हैं ठीक है तो यहां पर आप क्या देखेंगे वेस्ट बंगाल ये हो जाएगा आपका स्टेट राइट जलपरी से आप बनाएंगे जिसे बोला जाता है जालदापारा नेशनल पार्क नेोरा से बनाएंगे आप नेोरा वैली नेशनल पार्क सिंह से बनाएंगे सिंगलीला नेशनल पार्क वो बहुत गोरी से आप बनाएंगे गुरुमारा नेशनल पार्क सुंदर से आप बनाएंगे सुंदरबन नेशनल पार्क बॉक्सर से आप बनाएंगे बक्सा नेशनल पार्क बक्सा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है राइट बक्सा नेशनल पार्क यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में पूछा गया है ध्यान रखिएगा अगले क्वेश्चन उस पर आते हैं हम सो so, यहां पर देखिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कौन कौन से आते हैं आपके वेस्ट बंगाल में राइस सबसे ज्यादा होता है देन व्हीट पोटैटो शुगर केन ऑयल सीड जूट मैंगोज मैंगोज के लिए मालदा फेमस है मैंने आपको भी बताया ही था जैक फ्रूट बनाना ऑरेंज एप्पल पाइन टी जिंगर और कार्डामोन दीज आर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूस इन द वेस्ट बेंगाल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोविंग आर द मेन क्रॉप ऑफ द वेस्ट बेंगाल वेस्ट बेंगाल की मुख्य फसलें कौन है एग्रीकल्चर क्रॉप तो मैंने आपको बता दी सारी उनमें से जो मेन फसलें हैं वो कहला जाती है राइस जूट एंड टी राइस सुगर एंड कॉटन तो राइट जूट एंड टी यहां पर क्या है ये मुख्य फसलें हैं वेस्ट बेंगाल की अब देखिए लेक की हम बात करते हैं लेक मतलब झीलें कौन कौन सी वेस्ट बंगाल में पाई जाती हैं तो यहां पर देखो मिरिक लेक है जिसको सुमेंदु लेक कहा गया सेंचर लेक कहा गया मोती झील और रविंद्र सरोवर ये आपके लेक हैं जो वेस्ट बंगाल में पाई जाती हैं फिर यहां पर वर्ड सेंचुरी वर्ड सेंचुरी में तीन पर्टिकुलर वर्ड सेंचुरी आती है एक वर्ड सेंचुरी आपको कोलकाता के पास की दिखाई पड़ ही रही होगी जिसे अपन बोलते हैं चिंतामणि कर वर्ड सेंचुरी चिंता कर वर्ड सेंचुरी थारसन वर्ड सेंचुरी और रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपके यहां पर वर्ड सेंचुरीज कहला जाती हैं देन डैम वेस्ट बंगाल में डैम कौन कौन से हैं तो डैम के रिगार्डिंग आपको यहां पर यह ध्यान रखना पड़ेगा गंगा नदी जो गंगा नदी चूंकि चार डिस्ट्रिक्ट में ही बस बहती है यहां पर आप मैप पर समझ सकते हैं ये गंगा रिवर आ रही है दिस इज द बाउंड्री बिटवीन द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश तो यहां पर तो रिवर गंगा है इसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर होती है तो इसे पदमा नाम से जाना जाता है लेकिन ये यहां पर वेस्ट बंगाल के चार डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है गंगा रिवर तो ये जो पर्टिकुलर प्लेस जहां से ये बट जाती है उसे कहा जाता है फराका बैरेज राइट उसे कहा जाता है फराका बैरेज तो फराका बैरेज गंगा नदी पर बना हुआ है दुर्गापुर बैरेज बना हुआ है दामोदर नदी में और जिसके क्या बोलते हैं किंग साबती डैम बना हुआ है कांगस बती रिवर में ठीक है अब कौन कौन सी नदियां यहां पर बहती हैं तो सबसे पहले तो गंगा रिवर है जो मैंने आपको बताया चार पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है इसके अलावा भागीरथी और हुगली रिवर जिसे कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ बेंगौल राइट हार्ट एंड सोल ऑफ बेंगाल कहा जाता है भागीरथी और हुगली रिवर को ये दोनों नदियां भी यहीं पर बहती हैं और तीस्ता जो है ना ये जेमू ग्लेशियर से निकलती तीस्ता रिवर यहीं पर है ये आपके जेमू ग्लेशियर से निकलती है इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आपको यहां पर उनके लोकल नाम के तौर पर दिखाई पड़ जाएंगी राइट सो आगे आते हैं आगे देखिए यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हर जगह पर बहुत सारी है आपको यहां पर जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो ध्यान रखनी है जैसे यहां पर आप देखोगे तो वल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ राइट वेथुभद्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ विभूति विभूति भूषण बक्शा, जिसको चप्रमरी चिंतामणि हालिदे आईलैंड जोरे पोखरी सलामंदर लोथेन आइलैंड, महानंदा रायगंज रामन बागन संजीन खाली, और वेस्ट सुंदरबन ये सारी के सारी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है तो बक्सा चिंतामणिकर वल्लभपुर महानंदा जयपोखरी खाली और वेस्ट सुंदरबन ये इंपॉर्टेंट है ये आप ध्यान रखिएगा ठीक है हर स्टेट में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत सारी मिलेंगी देन वाटरफॉल कौन कौन से हैं तो सबसे पहले देखो आपको यहां पर एक वाटरफॉल दिखाई पड़ रहा होगा जिसे जिसमें क्या बना हुआ है रेनबो बना हुआ है ठीक है तो यहां पर देखो एक तो वाटरफॉल जिसे हम कहते हैं चांगे वाटरफॉल घाघरा वाटरफॉल छुन्नू वाटरफॉल फिर पलघोरा वाटरफॉल ठीक है जिसको क्या बोलते हैं पगलहोरा या पगलझोरा वाटरफॉल कहते हैं तुर्गा वाटरफॉल और रेनबो वाटरफॉल रेनबो वाटरफॉल आपको यहां पर साइड में दिखाई पड़ ही रही होगी राइट दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का सौरव कहा जाता था प्रियंका जी ठीक है अभी एट प्रेजेंट अगर देखें तो वो इट इज नॉट इट इज अ बून फॉर द वेस्ट बंगाल वो वेस्ट बंगाल के लिए एक वरदान साबित हुई है ठीक है जब से उस पर क्या हुए हैं जब से उस पर के एक ए, रिवर प्रोजेक्ट बनाया गया है नेक्स्ट यहां पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो डांस फॉर्म है वेस्ट बंगाल में वो कौन कौन से हैं वेस्ट बंगाल के जो डांस फॉर्म है वो कहलाते हैं आपके छऊ डांस वेस्ट बंगाल में है तुसू डांस हुआ भदौरिया सैला जिसको डांस कहा गया झूमर फिर आपका असरिया झूमर और राय डेंस ये आपके जो डिफरेंट कल्चरल डांस हैं वेस्ट बंगाल के ये कहला जाते हैं ठीक है देन इसके बाद यहां पर हम आएंगे आगे पावर प्लांट्स में कौन कौन से पावर प्लांट हमें वहां पर मिलते हैं देखने को तो जैसे कि आपको पता है कि भाई पावर प्लांट तो तीन और चार तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं कौन कौन से तीन चार तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं पहला जैसे हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं दूसरा जैसे हम हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं तीसरा जैसे हम कहते हैं किसके नाम से थर्ड दैट इज कॉल्ड एज द सोलार और फोर्थ दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर जियो भी होते हैं तो पावर प्लांट यहां पर जो है ना सबसे पहले देखिए थर्मल पावर प्लांट वेस्ट बंगाल में कौन कौन से पाए जाते हैं यहां पर देखिए सबसे पहले जिसे कहा जाता है फराका सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये मुर्शिदाबाद में है जब बंगाल बना था तो बंगाल की कैपिटल पहले मुर्शिदाबाद हुआ करती थी पता है क्यों क्योंकि बंगाल को बनाया था मुर्शीद कुली खान ने मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को इंडिपेंडेंट अनाउंस किया था है ना तो उन्होंने अपने ही नाम पर इसकी राजधानी एक शहर बसाया था जिसे कहा गया मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद को राजधानी बना दिया था ठीक है मुर्शिदाबाद में फराका सुपर थर्मल पावर स्टेशन है दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन जो कहाँ पर है वर्धमान में है फिर मजिया थर्मल पावर स्टेशन ये बांकुरा में है बाराकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन ये आपका वीरभूम में है फिर सांताली थर्मल पावर स्टेशन ये आपका पुरूलिया में है फिर टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ पर है नॉर्थ ट्वेंटी फोर में पड़ती है और जिसे बोला गया आपका रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन ये आ जाता है पुरुलिया में राइट ये कहां पर आ जाता है पुरुलिया में आ जाता है थर्मल पावर स्टेशन के बाद आगे हम बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं कहां पर जो हाइड्रो पावर प्लांट है वेस्ट बंगाल में कौन कौन से हाइड्रो पावर प्लांट पाए जाते हैं तो सबसे पहले यहां पर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रमाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सिचुएटेड है ये दार्जिलिंग में दूसरा जिसे कहा गया तीस्ता लो डैम ये भी कहां पर सिचुएटेड है आपका दार्जिलिंग में और पुरुलिया पम्प्ड स्टोरेज ये कहां पर आता है पुरुलिया में राइट अब वेस्ट बंगाल में कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है वेस्ट बंगाल में एक सोलार पावर प्लांट है जिसे हम कहते हैं जमूरिया फोटो वोल्टेक प्लांट राइट देयर इज नो एटॉमिक पावर प्लांट एट बंगाल याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में कोई भी एटॉमिक पावर प्लांट नहीं है वहां पर एक आपको सोलर पावर प्लांट मिलता है जिसे हम बोलते हैं जमूरिया फोटो प्लांट ओके देन आगे आते हैं हम और यहां पर देखिए आगे आते हैं और हम पहुंचते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क सुंदरबन नेशनल पार्क यहां पर जो है ना तो इट इज नोन एज द इसको हम किस नाम से जानते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के तौर पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर हम यहां पर इसको जानते हैं वेस्ट बंगाल का जो सुंदरबन नेशनल पार्क है जो कब से बना था आपका 1939 और 82 के बीच में बना था और टाइगर रिजर्व के साथ साथ यहां पर आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है अब अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल में कितने आपके साइट है तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन वेस्ट बेंगाल पश्चिम बंगाल में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स निम्नलिखित में से कौन सी है राइट right, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो वेस्ट बंगाल में पाई जाती है ऑप्शन आपके सामने है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सुंदरबन नेशनल पार्क और शांति निकेतन ठीक है तो इसका आंसर कौन बताएगा देखते हैं भाई आंसर देना है देखिए क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आपकी जो एक लर्निंग है ना लर्निंग यहां पर क्या हो जाए पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए ठीक है लर्निंग आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए कि आपको स्टेट का नॉलेज भी मिल जाए और यह भी पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं ठीक है so, सो इसलिए यहां पर इसको क्या करा गया है मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है फोर यहां पर सभी लोग आंसर कर रहे हैं तो क्या ये चार जो आंसर आप लोग कर रहे हैं क्या ये सही है फोर आंसर जो सभी लोग कर रहे हैं क्या ये सही है नो इट इज नॉट राइट अनिसा ने भी गलत कर दिया था इसका राइट right आंसर हो जाएगा वन राइट ओनली वन एंड टू केवल एक और दो देखिए जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है ना दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और सुंदरबन नेशनल पार्क ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है वेस्ट बंगाल से सुंदरबन नेशनल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया गया था यह डिक्लेयर हुआ था 1987 में 1987 में डिक्लेयर किया गया था जबकि जो दार्जिलिंग का आपका हिमालयन रेलवे है इसको 1999 1999 में बनाया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ठीक है जबकि शांति निकेतन जो है ना वेस्ट बंगाल में ये टेंटेटिव है शांति निकेतन जो है ये टेंटेटिव है रविंद्रनाथ टैगोर जी का हाउस है राइट ठीक है वो आपका टेंटेटिव है वो अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको शामिल नहीं किया गया है ध्यान रहेगा आप सभी को ये मैंने आपको बताया भी था ओके okay, सो so आगे आते हैं आगे देखिए यहां पर फेमस एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं जो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं कहां पर वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल के जो फेमस एयरपोर्ट है सबसे पहले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है ये सिचुएटेड है कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट को पहले दमदम एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता था इट इज ऑल्सो नोन एज दमदम एयरपोर्ट इसको हमने दमदम एयरपोर्ट के नाम से भी जानते थे ठीक है फिर जिसको बोला गया बागडोगरा एयरपोर्ट ये आपका सिलीगुड़ी में सिचुएटेड है बागडोगरा के बाद बालूघाट एयरपोर्ट ये आपका बालूरघाट में है मालदा एयरपोर्ट मालदा मैंने बताया ध्यान रखिएगा मैंगो के लिए फेमस है मालदा एयरपोर्ट मालदा में आ जाता है और पानागढ़ एयरपोर्ट है पानागढ़ में ठीक है ये आपके क्या हो जाएंगे एयरपोर्ट कहला जाएंगे जो कहां पर है आपके वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है फेमस सीपोर्ट देखिए सीपोर्ट का मतलब यहां पर क्या होता है कि जो आपका समुद्र से मिलता जुलता हो या समुद्र से मिलने के साथ साथ जहां से हम समुद्री व्यापार कर सकें, राइट right? समुद्री व्यापार जहां से कर सके तो अब हमने यहां पर जो टेरिटरी देखी थी उसमें यह देखा था कि जो वे ऑफ बंगाल है राइट right? वे ऑफ बंगाल जैसे हमने कहा बंगाल की खाड़ी तो बंगाल की खाड़ी तो यहां से जुड़ा हुआ है तो उसके बिहाब पर अगर देखें यहां पर आपको कोलकाता पोर्ट हल्दिया पोर्ट फराका पोर्ट सागर पोर्ट और ताजापुर पोर्ट इतने सारे पोर्ट यहां पर आपको मिलते हैं लेकिन अभी एक क्वेश्चन है क्वेश्चन आपसे यहां पर मैं ये पूछना चाहूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्ज रिवर पोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह वाला पोर्ट है ठीक है नदी के बंदरगाह वाला राइट यहां पर रिवर पोर्ट की बात करी गई है कौन सा है सो कोलकाता बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह कोलकाता हल्दिया के बाद आपको यहां पर जो ऑप्शन में दिया गया है फराका राइट सो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर एक सभी लोग कह रहे हैं क्या सच में एक होगा क्या सच में एक होगा <coughs> देखिए इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था थोड़ा सा यहां पर इसमें करेक्शन कर लेना यह यहां पर क्या लिखा हुआ है लार्ज रिवर पोर्ट लिखा हुआ है यहां पर आपको पूछा गया है पश्चिम बंगाल में सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है कौन सा है तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा सबसे बड़ा नदी वाला बंदरगाह है कौन सा है राइट right? तो so इसका सही उत्तर जब आप देखोगे राइट right आंसर हो जाएगा ओनली वन एंड टू राइट फर्स्ट वन यहां पर राइट right आंसर होगा ओनली वन एंड टू जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है ये सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है भारत में कंस्ट्रक्ट किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कब ओपन हुआ था 1870 1870 में जिसे ओपन कर दिया गया था राइट अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि वहां पर जो है ना दो डिस्टिंग डॉकयार्ड सिस्टम है एक जिसको पर बोलते हैं कोलकाता डॉक्स जो आके कोलकाता में है और एक डीप वाटर डॉक जो कहां पर है हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में आ जाती है राइट हल्दिया पोर्ट लोकेटेड है हुगली रिवर के मुंह पे हुगली रिवर का जो माउथ है वहां पर आपका हल्दिया वाटर पोर्ट सिचुएटेड है कोल पेट्रोलियम कंटेनर वहां पर सबसे ज्यादा इंपोर्ट किए जाते हैं और एक फराका पोर्ट जिसको बोला गया फराका पोर्ट ये कहां पर है आपका ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है ठीक है अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे पूछा गया है यहां पर आपसे देखिए फेमस स्टेडियम कौन कौन से हैं वेस्ट बंगाल के राइट तो फेमस सबसे यहां पर है ईडन गार्डन सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है ईडन गार्डन लेकिन मैं आपको यहां पर सारे के सारे स्टेडियम बता देता हूं जो कि आपके यहां इस पर्टिकुलर रीजन में आ जाते हैं वेस्ट बंगाल वाले सबसे पहले देखिए साल्ट लेक स्टेडियम कहां पर है कोलकाता में है ईडन गार्डन कोलकाता में है कंचनजंगा कंचनजंगा स्टेडियम सिलीगुड़ी में आ जाता है ईस्ट बंगाल ग्राउंड कोलकाता मोहन बागान मोहन बागान इट इज वन ऑफ द फेमस सबसे फेमस था मोहन बागान राइट मोहन बागान यहां पर क्या हो जाएगा आपका कोलकाता में हो जाएगा फिर कल्याणी स्टेडियम है कल्याणी में रविंद्र सरोवर स्टेडियम है कोलकाता में और मोहम्मदेन स्पोर्टिंग ग्राउंड है कोलकाता में फिर नेताजी इंडोर स्टेडियम है कोलकाता में ये सारे के सारे स्टेडियम जो आपके वेस्ट बंगाल के हैं ये मैंने बता दिए हैं दोनों जो इंपॉर्टेंट है ईडन गार्डन और मोहन बागान ये दोनों भी मैंने आपको बता दिए हैं नेक्स्ट हम हाँ आते हैं कौन कौन सी ट्राइब्स यहां पर पाई जाती हैं ट्राइब्स का मतलब होता है जनजातियां फेमस जो ट्राइब यहां पर हमें मिलती हैं देखने को वो है आपकी संथाल उराउन मुंडा ठीक है बिरसा मुंडा आपने सुना होगा वो रीजन उसी पर्टिकुलर रीजन में आ जाते हैं है ना ठीक है इसके बाद देखिए यहां पर भूमिज कोरा लोढ़ा महाली, भूटिया बेडिया और साबर ये सारी की सारी जो ट्राइब्स हैं जनजातियां हैं जो कहां पर पाई जाती हैं पश्चिम बंगाल में ठीक है विरसा मुंडा कहां से रिलेटेड है कोई बताएगा मुझे विरसा मुंडा कहां से रिलेटेड है यस yes, 130 साल कंप्लीट कर लिए हैं मोहन बागान ने वेरी गुड अनीसा जी थैंक यू सो मच ठीक है तो आपको uh, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से बताया यहां पर और जो ये है ना अगर हम मोहन बागान देखें इसलिए सबसे ज्यादा क्योंकि सबसे पुराना है वो वेरी गुड अब मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में बताया था ना कि कुछ ट्राइब्स होती हैं जो स्टेट में चूंकि पड़ोसी राज्य है तो पड़ोसी राज्य में जाना तो संभाविक है ठीक है तो कल अपन पड़ोसी राज्य में ही जाने वाले हैं वैसे राइट कल अपन पता है कहां पहुंचेंगे कल कौन से स्टेट में जाने वाले हैं एनी आइडिया गाइज कल किस स्टेट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या आपको आइडिया है कल हम आपको लेकर के चलेंगे बंगाल का एक जो पड़ोसी राज्य है जिसे अपन बोलते हैं बिहार ठीक है कल अपन बिहार घूमने चलेंगे आज वेस्ट बंगाल घूमिए पहले ठीक है तो यहां पर देखिए आगे आते हैं आगे यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स मॉन्यूमेंट्स में आपको यहां पर देखो एक सबसे पहले तो पैलेस दिखाई पड़ ही रही होगी राइट तो मॉन्यूमेंट्स में यहां पर जिसको हम बोलते हैं रसमंचा जो कहां पर है विष्णुपुर में है कोच कोचबहर पैलेस या जिसको क्या बोला जाता है विक्टर जुबली पैलेस ये आपको यहां पर दिखाई पड़ रही होगी दिस इज विक्टर जुबली पैलेस ठीक है फिर यहां पर देखिए जिसको क्या बोलते हैं हम जिसको कहते हैं राधा विनोद टेम्पल राधा विनोद टेम्पल कहां पर है वीरभूमि में है क्लाइव हाउस ये दमदम में पड़ता है दमदम एयरपोर्ट अभी मैंने आपको बताया था फिर जोर जोरबांग्ला टेम्पल ये कहां पर है विष्णुपुर में है फिर लोकोचौरी गेटवे दरवाजा जिसको कहा जाता है मालदा ठीक है लुको गेटवे दरवाजा ये देखो अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बंगाली का अलग हो रहा हो तो माफ करना मुझे बंगाली बिल्कुल भी नहीं आती है राइट आई एम नील बट ए सन्नाटा इन बंगाली ठीक है गाइस सो so, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा आपका लोकाचौरी गेटवे दरवाजा जो कहां पर आ जाता है मालदा में आ जाता है फिर जिसको बोला गया हजार दौरी पैलेस ये मुर्शिदाबाद में है और टेम्पल जिसको बोला जाता है एचआई घोष ये कहां पर है गौरंगपुर दीज आर द फेमस और इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स दैट इज इन द वेस्ट बंगाल देन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल आर सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल स्टेट निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है ठीक है कौन सा है कालीघाट टेंपल दक्षिणेश्वर काली टेम्पल वेलूर मठ और ऑल ऑफ द अब। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मंदिर के बारे में आपसे पूछा गया है कौन सा टेम्पल सिचुएटेड है तो आई थिंक इसके बारे में सभी लोग बताएंगे इसके बारे में आंसर सबसे आना चाहिए इसका सही उत्तर देखो यहां पर क्या होगा राइट आंसर ऑल ऑफ द अबब कालीघाट घाट टेम्पल भी है कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली टेम्पल भी है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के एक पुजारी बहुत फेमस हुआ करते थे अनिशा बताएंगी अनिशा और अनिशा के साथ अपने साथ जो बेंगोल से जुड़े हुए हैं वो बताएंगे ठीक है दक्षिणेश्वर सुपर्णा दक्षिणेश्वर काली टेम्पल जो है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल से रिलेटेड एक व्यक्ति बहुत फेमस हुए थे और बहुत फेमस हैं उनका नाम क्या है उनका नाम आपको बताना है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के जो पर्टिकुलर पर्सन है ध्यान है कालीघाट टेंपल टेम्पल तो कालीघाट कोलकाता में है वेरी गुड दक्षिणेश्वर काली टेम्पल की बात चल रही है तो जो दक्षिणेश्वर काली टेम्पल में मैंने आपको बताया कि एक पर्सन थे एक व्यक्ति बहुत फेमस हुआ करते थे उनका नाम क्या है यह आपसे पूछा गया है वेरी गुड रामकृष्ण मिशन आश्रम रामकृष्ण जी ठीक है वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पृष्ठ हुआ करते थे पुजारी हुआ करते थे ठीक है आगे आते हैं यहां पर देखिए जो रीजनल फेस्टिवल है रीजनल फेस्टिवल में सबसे पहले तो यहां पर देखिए सभी लोग दर्शन ले लीजिए ठीक है मैं साइड हो गया विलुप्त हो गया दर्शन ले लीजिए काली माँ की पूजा सबसे ज्यादा होती है राइट काली मां की पूजा यहां पर सबसे ज्यादा की जाती है काली पूजा वसंत पंचमी दशहरा बाहिदूज होली महावीर जयंती बुद्धा जयंती और जिसको हम क्या बोलते हैं रथ यात्रा और क्रिसमस ये सारे के सारे फेस्टिवल कहाँ पर मनाए जाते हैं ये सारे के सारे रीजनल फेस्टिवल हैं जो पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल स्टेट में मनाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में मनाए जाते हैं राइट नेक्स्ट आते हैं अपन टूरिस्ट अट्रैक्शन ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ ही रहा होगा राइट right, आपको दिखाई पढ़ ही रहा होगा इसे हम क्या बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज द हुगली ब्रिज राइट ये आपका हुगली ब्रिज कहलाता है सॉरी हावड़ा ब्रिज इसको कहते हैं है ना और ये अगर आप देखोगे तो कोच बहर पैलेस जो बिक्टर जुबली पैलेस अभी मैंने आपको दिखाया ही था राइट right? नील बटे सन्नाटा का मतलब होता है जीरो बटे सन्नाटा है ना तो वो इनफाइनाइट वैल्यू पता नहीं अभी उसका निकालना बाकी है नृत्या उस पर अपन पी एच डी करके नीलबट्टे सन्नाटा का वैल्यू निकालेंगे डोंट वरी फिर तुमको बताएंगे नील बटे सन्नाटा का वैल्यू कितना होता है ठीक है फिर यहां पर देखिए जिसको हम क्या बोलते हैं राधा गोविंद टेम्पल हुआ वीरभूमि का क्लाइड हाउस दमदम ये आपके टूरिस्ट अट्रैक्शन है जोर बांगला टेम्पल हुआ विष्णुपुर का लौकेचोरी गेटवे हावड़ा ब्रिज विक्टोरिया मेमोरियल साइंस सिटी कोलकाता और जिसको हम क्या बोलते हैं जोरानसको छाकुर आपका यहां पर फेमस हो जाएगा देन आते हैं हम यहां पर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है देखो कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम देने जाइए आपसे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर पर तो क्वेश्चन बनता ही है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का क्वेश्चन आपसे पूछता ही है तो सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं यहां पर जैसे दार्जिलिंग टी हुआ नक्सी कांथा हुआ फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं शांति निकेतन के लेदर गुड्स हुए लक्ष्मण भोग मैंगो हुआ हिमसागर फजली मैंगो शांतिपुर सारी बालूचरी सारी और जिसको क्या बोलते हैं धनिया खाली सारी फिर जोया नगर मुआ वर्धमान सीताभोग और वर्धमान मिनीदाना दीज आर द जोग्राफिकल इंडिकेटर्स फ्रॉम द बंगाल ये सारे के सारे वेस्ट बंगाल के ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं और यहां पर देखिए आपके लिए क्वेश्चन है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल इंडिकेटर इज नॉट ऑफ द वेस्ट बेंगाल स्टेट निम्नलिखित में से कौन सा जोग्राफिकल इंडिकेटर है जो वेस्ट बेंगाल स्टेट से नहीं है कभी भी अगर आपसे नहीं पूछा जाता है नहीं को आंसर करने के लिए आपको कितने हैं ये सब पता होने चाहिए ठीक है सो so यहां पर देखो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दट इज कॉल्ड एज द गंजम केवड़ा फूल गंजम केवड़ा फूल यहां पर वेस्ट बेंगाल स्टेट का जोग्राफिकल इंडिकेटर नहीं है इट इज नॉट द जोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ द बंगाल स्टेट अगर हम यहां पर केवड़ा फ्लावर की बात करते हैं तो ये केवड़ा फ्लावर जो है ना मतलब मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है कहां पे होता है उड़ीसा स्टेट में होता है केवड़ा प्लांट जो गंजम डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा में ही आ जाता है राइट बाकी जो यहां पर बंगलार रसगुल्ला है जिसको क्या बोलते हैं रसोग्ला रसोग्ला मिठाई बहुत यहाँ की फेमस है वेस्ट बंगाल की बंगाली मिठाइया बहुत फेमस हैं है ना तो जितने लोग सिलेक्शन लेकर के कोई रसगुल्ले लेकर के आ जाना भाई मुंबई कि सर बेंगोली रसोगुल्ला खा लीजिए आप ठीक है तो यहाँ पर देखो शांति निकेतन के जो लेदर गुड्स हैं ये मैंने आपको बताए ही ये आपके जीआई इंडिकेटर्स में आ जाते हैं फिर जिसको हम बंगला रसोगुल्ला कहते हैं रसोग ये भी आपका जीआई टैग है इसको 2019 में जीआई टैग दिया गया दो में जी टैग दिया गया था और जो फाजली मैंगो है फाजली मैंगो को भी यहाँ पर मालदा डिस्ट्रिक्ट में फेमस है और ये भी यहां पर क्या है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के तौर पर जाना जाता है सो गाइस नाउ इट्स टाइम फॉर योर डाउट और देखिए जितने लोग वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं आई होप कि इसके अलावा और भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं वेस्ट बंगाल के वो सारे लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में राइट right? वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कौन कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं आपके वेस्ट बंगाल के ठीक है सो so गाइस आज वेस्ट बंगाल में इतना ही वेस्ट बंगाल में जितने भी पॉइंट हमने डिस्कशन करने थे कर लिए हैं कल हम आपको लेकर के चलेंगे कहा बिहार ठीक है कल अपन चलेंगे बिहार सेम पैटर्न रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ अपन यहां पर क्या डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे ओके okay? सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनली और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वेस्ट बंगाल वाले जितने भी हैं सब अपना प्रेजेंस जरूर शो करेंगे यहाँ पर वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा सो so दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पहुँच सके फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग गुड नाइट ऑल